हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग में प्रीवियस ईयर एग्जाम से संबंधित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया है। यदि एल ए सी के लिए संकेत संख्या 396 है, तो बी ए सी के लिए संकेत संख्या क्या होगी, यही हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। देखिए, यल ए सी के कैसे लिख दिया है, 396 कैसे लिखा है। देखिए दोस्तों, ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा उसमें से ए एक नंबर पड़ता है, ठीक है। और यल हमारा किस नंबर पड़ता है दोस्तों, 12 नंबर पड़ता है। ए हमारा एक नंबर पड़ता है, सी हमारा तीन नंबर पड़ता है, के हमारा 11 नंबर पड़ता है। तो इसमें क्या किया है, यल को क्या किया है कि अंक में कन्वर्ट किया है, तो क्या हो गया है, 12। अब 12 में क्या किया है, 12 गुणे कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए हमारा एक नंबर पड़ता है, तो एक लिख दिया है, ठीक है। फिर क्या किया है, गुणे कर दिया है। फिर सी हमारा तीन नंबर पड़ता है, फिर तीन कर दिया, ठीक है। फिर गुणे कर दिया है। फिर की हमारा 11 अंक पड़ता है, तो इसे 11 लिख दिया है, ठीक है। अब इसे हम गुना कर लेते हैं इनके आपस में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 ही आएगा। अब 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, और 36 में हम 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 396। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया 396, ठीक है। अब उसी प्रकार इसे भी ज्ञात करेंगे बी ए सी के, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे, बी देखिए, बी हमारा किस नंबर पड़ता है, दो नंबर पड़ता है, ठीक है। और ए हमारा एक नंबर पड़ता है, तो क्या कर लेंगे, 2 गुणे 1 फिर गुणे 3 कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद के, यानी कि के हमारा 11 नंबर पड़ता है और सी हमारा 3 नंबर पड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे इसके आपस में, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। 2 दू 3 6, और कितना हो जाएगा, 11 6 66, कितना हो जाएगा, 66। तो देखिए दोस्तों, बी ए सी के का कोड क्या हो जाएगा, 66। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न चिन्ह हमारा यहीं पर है, इसी को हमें सोल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया है, N5V K7T, क्वेश्चन मार्क E14P B19N, ठीक है। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, पहले पहले अक्षर को सॉल्व करेंगे, इसमें का इसमें का इसमें का इसमें का, ठीक है, सब में का। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, N और K, ठीक है, N और K। उसके बाद K और क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क और E और फिर B। तो क्या किया है, देखिए दोस्तों, पहले हम इसे अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यन हमारा 14 नंबर पड़ता है, के हमारा 11 नंबर पड़ता है, ई हमारा 5 नंबर पड़ता है, बी हमारा 2 नंबर पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए क्या किया है, 14 में क्या किया है, 3 जोड़ दिया है, सॉरी 14 में 3 माइनस कर दिया है, तो 11 हो गया है, ठीक है। 14 में 3 माइनस कर दिया तो 11 हो गया है, और फिर 11 में से माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 स्थान पर क्या आता है, यह आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, यानी कि ये स्टेप बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यच किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, देखिए दोस्तों यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा, मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। बी और सी और डी 3 में दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन ए में नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं इन अक्षरों को। 5 दिया है, 7 दिया है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई एक संख्या लाना है, और 14 और 9 को, ठीक है। तो क्या किया है, देखिए 5 में क्या किया है, 5 में क्या किया है, 2 जोड़ा है, तो कितना हो गया है, 7 हो गया है, ठीक है। 5 में 2 जोड़ा है तो 7 हो गया है, और 7 में फिर क्या किया है, 3 जोड़ेंगे, क्योंकि पहले 2 फिर 3, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो यच 10 हो जाएगा, ठीक है। यच कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यच हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और फिर 14 में हम 4 जोड़ेंगे, सॉरी 14 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भी स्टेप सही है, क्रम वाइज जोड़ रहे हैं, 2 3 4 5, ठीक है। पहले 3 3 माइनस किए, उसके बाद 2 3 4 5 जोड़ते चले गए। अब क्या बचा, V T P N, और क्वेश्चन मार्क को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है कि, देखिए दोस्तों, हमारा
वी किस नंबर पड़ता है? 22 नंबर पड़ता है। 22 में से -2 कर दिया है तो टी आ गया है, यानी कि टी हमारा 20 नंबर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ टी आ गया तो 20 नंबर पे। ठीक है, अब 20 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, कितना आ जाएगा? 18। और 18 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? आर आता है। ठीक है, क्या आता है? आर। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा? H10R। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर आ गया R। ठीक है, क्या है? 18 अंक का है। ठीक है, अब 18 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताइए? 16। और 16 नंबर पे हमारा P पड़ता है। ठीक है, अब उसी में से क्या करेंगे? 16 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 14। 14 नंबर पे हमारा N पड़ता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भराएगा? H10R। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरे के दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या किया है? 7 में क्या किया कि 17 आ गया है। देखिए, हम क्या करेंगे? 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आएगा। और 14 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया? 7 में 2 से गुना किया और 3 जोड़ दिया तो 17 आ गया। अब वही स्टेप इसमें भी फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 17 में 2 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37। क्योंकि देखिए दोस्तों, 17 दुना के 34 हो जाएगा, 34 में 3 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 37 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 37 में 2 से गुना करेंगे और प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 37 दुना के कितना होता है दोस्तों बताइए? 37 दुना के 74 होता है। ठीक है, और 74 में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 74 में हम 3 जोड़ देंगे तो 77 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 77 में 2 से गुना करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 157 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 157 आ जाएगा, क्योंकि 77 दुना के 154 होता है, 154 में हम 3 जोड़ेंगे तो 177 हो जाएगा, सॉरी 157 हो जाएगा। ठीक है, अब 157 में हम 2 से गुना करेंगे, 157 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा? 314 आएगा। 314 आएगा ना, और इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 317 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 317। किस ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है? दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर चुनिए। देखिए दोस्तों, क्या करना हमें? संबंधित अक्षर चुनना है। चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, किसका संबंध किससे है? बी डी ई का संबंध जी एच आई से है, तो जे के एम का संबंध किससे होगा? यही हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, क्या किया है? बी बी हमारा किस नंबर पड़ता है? 2। डी हमारा किस नंबर पड़ता है? 4। और ई हमारा किस नंबर है? 5 नंबर पड़ता है। ठीक है, तो क्या किया है? बी में क्या किया है? 5 जोड़ा है तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 नंबर क्या पड़ता है? जी पड़ता है। ठीक है, 7 नंबर पर जी पड़ता है। और देखिए दोस्तों, डी में क्या किया है? डी में 4 जोड़ा है तो कितना हो गया? 8 हो जाएगा। डी में जी जोड़ा है, सॉरी, डी में 4 जोड़ा है तो 8 हो गया। ठीक है, और ये 8 नंबर पर क्या पड़ता है? एच। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया एच। ठीक है, अब क्या करेंगे? ई में क्या किया है? ई में भी 4 जोड़ा है तो क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, ई में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 नंबर पर क्या पड़ता है? आई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया आई। ठीक है, पहले वाली संख्या में, यानी कि बी में क्या जोड़ा है? 5 जोड़ा है। डी में 4 जोड़ा है, ई में 4 जोड़ा है। ठीक है, यानी क्या इसकी संबंध इस प्रकार है। ठीक है, इनका संबंध इस प्रकार है तो इसका भी संबंध इसी प्रकार होगा। तो देखिए दोस्तों, जे जे हमारा किस नंबर पड़ता है? 10। ठीक है, और 10 नंबर पे क्या आता है? जे। ठीक है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 5। देखिए, क्योंकि इसमें भी 5 जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा? 15। और 15 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? ओ आता है। ठीक है, 15 नंबर पे ओ आता है। ठीक है, अब देखिए के के में क्या जोड़ेंगे? 4। देखिए, यहाँ पर 4 जोड़े हैं। के में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 है। के हमारा 11 नंबर पड़ता है और उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और 15 नंबर क्या पड़ता है? ओ पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ओ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यम यम हमारा किस नंबर पड़ता है? 13 नंबर पड़ता है। और 13 में हम 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 17। और 17 नंबर क्या पड़ता है? क्यू पड़ता है। ठीक है,
तो जे के एम का संबंध किससे हो गया, डबल ओ और क्यू से। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, डबल ओ क्यू। किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर चुनिए। देखिए दोस्तों इसमें भी हमें संबंधित अक्षर चुनना है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए सी एम ई का संबंध यम ए सी ई से है, तो ए एल जी ए का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए इसे क्या कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। क्या कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या किया है कि पहले क्या लिखा है, पहले 3 वाले के लिखा है, पहले यानी कि यम लिखा है तो ये 3 हो गया, ठीक है। फिर ए लिखा है तो 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सी सी हमारा 2 नंबर पे है और ई हमारा किस नंबर पे, 4, तो ये होगा 3 1 2 4, तो क्या हो गया, यम ए सी ई। देखिए दोस्तों इसका संबंध इस प्रकार है, ठीक है। क्या किया है, पहले 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यम तीसरे नंबर पड़ता है, ठीक है, और ए पहले नंबर पड़ता है और सी दूसरे नंबर पड़ता है और ई चौथे नंबर पड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे, तो इसे क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4। देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पर क्या आया, जी आया, तो हम जी लिख लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार पहले नंबर पर क्या आया, ए, ठीक है, तो ए लिख देंगे, यानी कि 3 1 2 4, इसे भी क्या करेंगे, इसी क्रम में लिखेंगे, 3 1 2 4, तो 2 नंबर पर क्या आ गया, पहले अभी आ गया यल, ठीक है, और 4 नंबर पर आ गया ए, तो क्या हो गया, जी ए यल ए। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ए यल जी ए का संबंध जी ए यल ए से था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5ों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।